ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सामग्री नहीं भाव चाहिए, और इस बार तुम्हारे पास संपूर्ण भाव है। बड़ी भाव से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ जमीन में शयन करो। और इस बार तो ये महामारी कहती है कि आप शुद्ध रहें, बार बार हाथ धोएं, अपने को विशुद्ध रखने की कोशिश करें, और व्रत उपवास में तो वैसे भी विशुद्धता की आवश्यकता होती है। तो ये पूरे के पूरे 9 दिनों तक इस बार पूरी कोशिश करिएगा, घर में रहें, एकांतवास करें, और जितना ज्यादा हो सके जब तक पर ध्यान दें। एक महामंत्र बता रहा हूं नवरात्रि के दिन, अगर इसे सिद्ध कर लिया, 9 के 9 दिनों में अगर आपने इस मंत्र का पूरी तरह से जाप और पाठ किया, तो निश्चित तौर पर आपके हर कार्य कंप्लीट होंगे, क्योंकि इस बार आपके पास समय बहुत है। मंत्र आपके पहले से जाना जनाया है, बस आप उसे समझते नहीं है। ओम ऐम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये महामंत्र है। इसके एक एक बीज मंत्र में, एक एक अक्षर में बहुत कुछ छुपा हुआ है। ऐम ह्लीम क्लीम तीन ही क्यों है? क्योंकि अहंकारी सृष्टि रूपाये ह्रिंकाली प्रतिपालिका कृंकाली काम रूपर्णे बीज रूपे नमोस्तुते, तीनों में तीन देवियां हैं, उनको प्रणाम करके इसको करें। जितना मैक्सिमम जाप कर सकते हैं उतना कीजिएगा। जय माता दी।